नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने 500 लीटर दूध से किया गुप्तेश्वर महादेव का अभिषेक, जन कल्याण की कामना कर कार्यकर्ताओं ने किया महादेव का पूजन। घमापुर से रांझी तक बनी फोर लाइन सड़क तक नहीं कराया गया पुलिया चौड़ीकरण का कार्य, स्मार्ट सिटी के काम पर उठ रहे सवाल। और कर्नाटक में हुई जैन आचार्य की निर्मम हत्या को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त, 20 जुलाई को किया भारत बंद का आह्वान। जन कल्याण की कामना से हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने परंपरा अनुसार इस वर्ष भी स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि 500 लीटर दूध से अभिषेक करने का संकल्प रहता है, लेकिन 21 लीटर दूध से अभिषेक कर शेष दूध को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। सावन मास में संस्कार धानी शिवमय नजर आ रही है। भक्तों के द्वारा देवाधिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर 21 लीटर दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया और 479 लीटर दूध भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया। संगठन के अतुल जायसवानी ने बताया कि हर वर्ष सावन मास में उनके संगठन के द्वारा 500 लीटर गाय के दूध से अभिषेक करने की परंपरा है। हिंदू सेवा परिषद प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण माह में श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में 501 लीटर गाय के दूध से महादुग्धाभिषेक करता है। आज वही हम यहाँ पे पुनः करने आए हैं सभी कार्यकर्ता, जिसमें हम 21 लीटर दूध से हम अभिषेक करने के पश्चात बाकी जो शेष दूध है वो प्रसाद रूपी हम शहर भर में वितरित करते हैं प्रसाद के रूप में। और ये महादुग्धाभिषेक करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो भी मनोकामना है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और देश के प्रति, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा को हम प्रसन्न करते हैं ये अनुष्ठान करके। जन कल्याण की कामना करते हुए संगठन के सदस्यों ने महादेव का विधि विधान से पूजन किया। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल की उपासना के पर्व चालीसा व्रत महोत्सव के तीसरे दिन भरतीपुर रोड स्थित झूलेलाल मंदिर में जल ज्योति पूजन किया गया। इस अवसर पर भजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। सिंधी समाज के द्वारा चालीसा व्रत महोत्सव भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भरतीपुर रोड स्थित मंदिर में वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल की उपासना का दौर जारी है। व्रतधारी महिला पुरुषों के द्वारा जल ज्योति पूजन किया गया। सिंधी समाज के आस्था के पर्व चालीसा महोत्सव के तीसरे दिन आज झूलेलाल मंदिर भरतीपुर में जल ज्योति की पूजा, दीपदान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी अशोकानंद जी, स्वामी प्रदीप महाराज जी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सत्संग एवं भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसपे श्रद्धालु अनेक झूमे। समाज के महिला एवं पुरुष 40 दिन तक यह व्रत रखकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह व्रत रखते हैं और बड़ी श्रद्धा और सेवा के साथ यह व्रत होता है। इस मौके पर मंदिर में भजन कीर्तन और सत्संग का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलंबी शामिल रहे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है। यदि जनवरी से जून 2023 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो पुलिस ने 75,625 दोपहिया चार पहिया वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 2,45,43,700 रुपए का जुर्माना वसूला है। शासन के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। ट्रैफिक एएसपी प्रदीप शेंडे ने बताया है कि जनवरी माह से लेकर 30 जून तक 75,625 वाहनों के चालान काटे गए हैं और उनसे 2,45,43,700 रुपए की राशि वसूली गई है। हम लोगों ने इस वर्ष जून माह तक के 75,625 चालानी कार्रवाई किया है, जो काफ़ी अधिक है गत वर्षों के कंपेरेटिवली, और हम निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए हम जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं
शहरों और गांव में भी जाकर के हम इस अभियान को चला रहे हैं, स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के लोगों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता लाने का कार्य कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके और लोगों की जान माल की रक्षा हो। चालानी कार्रवाई की बात करें, चालानी कार्रवाई किन किन चीज़ों में हुई है? इसमें मेनली जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या हेलमेट नहीं लगा रहे, सीट बेल्ट नहीं बांध रहे या शराब पी करके वाहन चला रहे हैं, ओवर लोडिंग कर रहे, इन पे हम खास तौर पे कार्रवाई करते हैं। साथ ही जिनकी नंबर प्लेट्स गड़बड़ है या नियमानुसार लिखी नहीं है उन लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। घमापुर से रांझी तक की फोर लाइन सड़क बने 2 साल हो गए लेकिन अब तक पुलियों का चौड़ीकरण नहीं कराया गया है, जिसके चलते हादसों का अंदेशा बना हुआ है। स्मार्ट सिटी अधिकारियों की लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा करीब 25 करोड़ रुपयों की लागत से घमापुर रांझी फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। इस कार्य में सड़क डिवाइडर, नाली, लाइटिंग और पुलिया चौड़ीकरण का काम शामिल रहा, लेकिन अधिकारियों ने इस सड़क की पुलियों का चौड़ीकरण नहीं कराया, जिसके चलते इस मार्ग पर दुर्घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता है। 4-5 स्थानों पर पुलियों का चौड़ीकरण होना था जो 2 साल बाद भी नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के तहत रांझी से घमापुर तक की जो 4 लाइन है उसका निर्माण हुए करीब 1-1.5 साल हो गया है और सरकार की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ से लोगों के मकान तो तोड़ दिए गए, लोगों को अतिक्रमण के बहाने उनको उजाड़ दिया गया, लेकिन खुद जो सरकार की पुलियां हैं रांझी से लेकर घमापुर तक कम से कम 15 पुलियाँ हैं, इन पुलियों का चौड़ीकरण का काम आज तक नहीं हुआ है। घमापुर चौगड्डे पर तो इतना विभत्स दृश्य है कि वहाँ पर केवल पानी के ड्रम लगाकर और काम चलाया जा रहा है और किसी भी प्रकार का वहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। स्मार्ट सिटी के इस कार्य से सड़क तो चौड़ी हो गई लेकिन पुलिया अभी भी सक्रिय है। खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कर्नाटक के इरगुड़ी गांव में जैन आश्रम में चातुर्मास कर रहे जैन आचार्य रकाम कुमार नंदी की हत्या से जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। सगड़ा स्थित जैन मंदिर में जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। कर्नाटक के हीराखेड़ी गांव के जैन आश्रम में हुई आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या से पूरे देश के जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। सगड़ा के जैन मंदिर में जैन समाज की महिलाओं एवं पुरुषों ने एकत्रित होकर इस घटना पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की। भगवान महावीर की संस्था जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में सगड़ा मंदिर एवं सकल श्वेतांबर समाज, सकल दिगंबर समाज, मैं कर्नाटक के अंदर दिगंबर जैन साधु, इनकी निर्मम हत्या हुई है। हम लोग जोरदार घोर विरोध करते हैं कि भारत ये ऋषि मुनियों की संस्कृति है, जहाँ पर ये संभव नहीं है। ब्रिटिश शासन के अंदर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं जो भी दोषी है उससे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। हम सभी 20 तारीख को भारत बंद का सकल श्वेतांबर समाज इसका घोर विरोध करता है, वो भारत बंद का आह्वान करते हैं। कर्नाटक में हुई जैन आचार्य की हत्या के खिलाफ जैन समाज ने 20 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया है। जैन समाज का कहना है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है। आमजनों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा सड़क निर्माण कराया गया लेकिन महाराजपुर और पनागर बाईपास पर सड़कों को वाहन पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर जहां तहां ट्रकों एवं ट्रॉलों को बेतरतीबी से खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है एवं यातायात भी अवरुद्ध हो जाता है। महाराजपुर एवं पनागर बाईपास का ये नजारा इस बात का प्रमाण है कि सड़कों पर बेतरतीबी से खड़े किए गए ट्रक एवं ट्राले न केवल यातायात में बाधक बन रहे हैं बल्कि दुर्घटनाओं का भी सबब बन रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि मोड़ पर भी ट्रक खड़े हो जाते हैं जिसके कारण कई बार वाहन चालक खड़े ट्रकों से टकरा जाते हैं, लिहाजा ऐसे वाहनों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं कम हो और यातायात भी सुगम हो सके।
पनागर के जाते समय महाराजपुर तिराहा पड़ता है जो एक हाईवे को जोड़ा हुआ है, उस तिराहे के आसपास इतने सारे ट्रक आए दिन खड़े हो जाते हैं, रोड में ही खड़ी कर देते हैं, जिससे आवागमन बहुत बाधित होता है। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमको किस तरफ मुड़ना है, और एक्सीडेंट के वहाँ बहुत चांसेस रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट हुए भी हैं। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस चौराहे पर निगरानी करके ट्रक वालों को यहाँ से हटवाया जाए, यहाँ पर किसी प्रकार का अवैध हाईवे को रोका ना जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं अभी आज ही वहाँ से आया तो मुझे एक ट्रक वाले ने मेरे सामने गाड़ी लगा के खड़ी कर दी, मैं मरते मरते बचा। और इस तरह का हादसा कई बार हो चुका है, कई लोगों के साथ हो चुका है। आधारता क्षेत्र स्थित मौसम विभाग कार्यालय अस्थायी अतिक्रमणों की चपेट में है। ऑफिस परिसर की दीवार से सटकर काबिज चाय पान के टपरों के अलावा अन्य दुकानों के बीच मौसम की जानकारी देने वाला विभाग छिप गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्थायी अतिक्रमणों की वजह से सड़क किनारे बेतरतीबी से वाहन खड़े रहते हैं, जिसके कारण यातायात भी बाधित होता है। मौसम की जानकारी देने वाला विभाग अपने ही कार्यालय के बाहर काबिज आए स्थायी अतिक्रमणों से बेखबर है। कार्यालय की बाउंड्री वॉल से सटकर चाय पान नाश्ते के टपरे वाहन सुधारने वाले एवं कबाड़ी सहित अन्य दुकानें सज गई हैं, और यहां पर आने वाले ग्राहकों के वाहन सड़क पर बेतरतीबी से खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है एवं दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है। स्थानीय जनता का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मतलब आजकल देख रहे हैं बहुत टप टप टपरे लग गए हैं वहाँ पे, और उसके टपरे की वजह से मतलब लोग आने जाने में दिक्कत हो रही बहुत, और ऐसी जगह लगा मौसम विभाग के ठीक सामने जहाँ पे जो पार्किंग की जगह होनी चाहिए वहाँ पार्किंग तो है ही नहीं। हाईवे रोड है वो, वहाँ से टपरे हटने चाहिए, इसके शहर की ब्यूटी खराब हो रही है, सुंदरता खराब हो रही है। अतिक्रमणों को हटाए जाने की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। कुशवाहा समाज अपनी जनसंख्या के बल पर राजनीतिक दलों में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। इसी सिलसिले में कुशवाहा समाज का सम्मेलन गढ़ा कछपुरा में आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभावान बच्चों एवं समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की संभागीय बैठक का आयोजन कछपुरा क्षेत्र में हुआ, जिसमें सामाजिक समस्याओं के साथ उन्नति क्रमों पर विस्तार से विचार मंथन किया गया। इस आयोजन में प्रतिभावान बच्चों एवं समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया, ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। कुशवाहा समाज चाहता है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर राजनैतिक दल उनकी सहभागिता तय करें। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 30 जुलाई को भोपाल में एक विशाल कुशवाहा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत में आज ये जबलपुर संभाग की बैठक की जा रही है। कुशवाहा समाज को प्रमुख राजनीतिक दल संख्या बल के आधार पर हमें राजनीतिक हिस्सेदारी दें, इस बात का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व उचित मिले। आगामी समय पर कुशवाहा महासभा कुंभ होने जो वाला है भोपाल में, उसके लिए हमारी महिलाएं टीम भी बहुत तैयार हैं। मैं अपनी टीम को तैयार कर रही हूं कि आने वाले भविष्य जो महिलाओं की जिम्मेदारी हिस्सेदारी जो है, बढ़ चढ़ के महिलाएं सहयोग लें और आगे बढ़े और हमारे समाज उत्थान के लिए कार्य करें। कुशवाहा समाज का कहना है कि प्रदेश भाजपा सरकार ने कुशवाहा कल्याण बोर्ड के गठन का एवं सागर में लव कुश मंदिर बनाने का वादा किया है, इससे कुशवाहा समाज उत्साहित है। समाज और देश की तरक्की सिर्फ शिक्षा के आधार पर हो सकती है। आदिवासी समाज जितना शिक्षित होगा, उसके शोषण की आशंकाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। शासकीय आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संघ प्रत्येक आदिवासी को यह समझाने की लगातार कोशिश कर रहा है। शासकीय आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन मेडिकल कॉलेज के पास आयोजित हुआ। इसमें आदिवासी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, साथ ही समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया गया। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का मानना है कि शिक्षा के जरिए ही समाज का कल्याण हो सकता है। आदिवासी लोग जितना शिक्षित होंगे, उनके शोषण की आशंका उतनी कम हो जाएगी। शासकीय आदिवासी कर्मचारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के माध्यम से जो आदिवासियों के जो विषय हैं, जो उनके
संवैधानिक विषय उस पर चर्चा हुई, उस पर मंथन हुआ और साथ में आदिवासी जो बच्चे हैं जो 10-12वीं की परीक्षा में उन्होंने 75% से ज़्यादा प्राप्त किया है उन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को यहाँ पर हमारे संघ के द्वारा एक सम्मानित किया गया है, उनका उत्साहवर्धन किया गया है। यह जो संघ है आदिवासी शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ लगातार सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए, आदिवासी के जो भी कहना चाहिए अधिकारों के लिए समय समय में उचित मंच के माध्यम से अपनी आवाज उठाता रहता है। शासकीय आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संघ के इस प्रांतीय सम्मेलन में शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं पर भी विचार मंथन हुआ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंता सताने लगी है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक बिलपुरा में आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक बिलपुरा में आयोजित हुई, जिसमें जिले एवं ब्लॉक स्तर के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने की कोशिश की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानी सम्मति सैनी जी के नेतृत्व में बिलपुरा में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारी, जिला के ब्लॉक अध्यक्ष और जो बॉडी बनी हुई है उन पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है और आगामी विधानसभा में कांग्रेस के सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती और उस मतलब कार्य करने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि तेजी से लगे और कांग्रेस के सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन सके। बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे दूर करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि अब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होगी। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीडीवी न्यूज़।